नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयदशमी को धूमधाम से मनाया। देश भर में हर्षोल्लास के साथ किया रावण के पुतले का दहन। 7 नई रक्षा कंपनियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्र को समर्पित। भारत में बनेंगे पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन। कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के युवक की हत्या। पिटाई के बाद हाथ काट कर बैरिकेड से लटकाया। धरना स्थल के नजदीक वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली हावड़ा रूट पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। कानपुर शताब्दी रद्द, कई ट्रेनों का रूट बदला। अफगानिस्तान में कंधार की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाका। 32 शिया नमाजियों की मौके पर मौत, 40 हुए घायल। झांसी में हुआ भीषण सड़क हादसा, 7 महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर पर जूनियर से दुष्कर्म का केस, पुलिस ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। राजधानी में 31 अक्टूबर तक रहेंगे कई प्रतिबंध, दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक जारी। उत्तराखंड के पांडालों में विसर्जन से पहले दुर्गा पूजा की धूम, सिंदूर खेला और भव्य आरती के साथ दुर्गा पूजा का हुआ समापन। मेरठ में अपराधियों के बढ़ते जा रहे हौसले, दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को मारी गोली, कमरे में सफाई कर रही थी आलिया। ईंधन के बढ़ते दामों के बावजूद महंगी एसयूवी गाड़ियां सुपरहिट, ग्राहकों का सेडान और हैचबैक कारों से छूटा मोह। हरियाणा की घटना पर बोली कांग्रेस, घटना निंदनीय, जांच करवाना सरकार की जिम्मेदारी। मुंडन कराकर वापस लौटते समय मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा, घटना स्थल पर भाई बहन की मौत, 8 लोग घायल। छत्तीसगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान कार ने कई को कुचला, एक की मौत, गुस्साए लोगों ने गाड़ियां फूंकी। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या मामले में किसान मोर्चा ने झाड़ा पल्ला, कहा मृतक और निहंग दोनों से कोई संबंध नहीं। कपिल देव पर चढ़ा रणवीर सिंह का रंग, क्रिकेट के मैदान पर दिखाया फैशन का टशन। कोरोना की फिक्र से दूर हुए खरीदार, फेस्टिवल ऑफर्स में हर घंटे खरीदे 68 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन। 20 नवंबर से बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट, शीतकाल को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने जारी किए निर्देश। अमिताभ बच्चन से लेकर कंगना रनौत तक सितारों ने दी फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं। नीतीश कुमार के खास, पूर्व विधायक श्याम का बड़ा बयान, वोट के लिए ओसामा की शादी में पहुंचे तेजस्वी यादव।